absorption transition, absorption transition. So generally atoms are in ground state, ठीक है. Life of atoms in ground state is finite, ठीक है. In excited state life of atom is carried for 1 second, है ठीक है. तो generally atoms are in ground state. When they get suitable energy, then they absorb energy of photon and jump to any higher energy level, ठीक है. तो दिस ट्रांजिशन इन्होंने एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन, ये ट्रांजिशन क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन कहलाता है, ठीक है. तो ये आपका ग्राउंड स्टेट है, ये ग्राउंड स्टेट ना, ये आपका ग्राउंड स्टेट है. तो एटम जो है जनरली कहाँ रहता है, ग्राउंड स्टेट में रहता है. ये लोएस्ट एनर्जी लेवल होता है, क्या होता है, लोएस्ट एनर्जी लेवल. तो कोई भी सिस्टम वहाँ रहता है जहाँ पर उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, इसलिए एटम भी जो है वहाँ रहेगा जहाँ पर इसकी एनर्जी सबसे कम होती है. That is, atom is stay in ground state. लेकिन जब इसको बाहर से suitable energy की photon मिलते हैं, तो इसको absorb करके किसी higher energy level पर चल जाता है. तो ये आपका higher energy level है, इसे क्या कहते हैं? इस higher energy level को excited state कहा जाता है. Excited energy level कहते हैं. ये आपका ionization state है. ionization state. जब इसके बराबर एनर्जी दीजिएगा तो एटम इलेक्ट्रॉन में एटम को छोड़ देगा, ठीक है, एटम से फ्री हो जाएगा ना. तो जब इसको हम क्या करते हैं, बाहर से फोटॉन गिराते हैं, हैविंग फ्रीक्वेंसी सेट एट इट कैन प्रोवाइड एनर्जी इक्वल टू 4.86 आर 6.67 आर 7.2 आर 10.4 देन दी एटम्स प्रेजेंट इन दिस लेवल एब्जॉर्ब्स एनर्जी ऑफ दिस फोटॉन एंड जंप टू सेकेंड एनर्जी लेवल, ठीक है. और ये एनर्जी लेवल 1 है, हां ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है ना. ये एनर्जी लेवल 1 है, n इज इक्वल टू 1, ये n इज इक्वल टू 2 है, ये n इज इक्वल टू 3 है, ठीक है, n इज इक्वल टू 4 है ना, ये n इज इक्वल टू इनफाइनाइट. तो जो है एटम इसमें जंप कर जाएगा या फिर इसमें जंप कर जाएगा या फिर इसमें जंप कर जाएगा, ठीक. ये ट्रांजिशन क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन कहलाता है. क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन कहलाता है, ठीक है. तो एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन इन ए गिवन एनर्जी लेवल, एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन इज more than emission transition, na? Sorry, emission transition is more than absorption transition, na? In given energy level, in given energy state, emission transition is more than absorption transition. जैसे हमारे पास तीन energy level हैं, मानते हैं, ठीक है? और तो इसमें कितने absorption transition होंगे और कितने emission transition होंगे? ये चीज़ identify करना है. तो जैसे मान से एक एक ग्राउंड स्टेट है, n इज इक्वल टू 1, ये आपका एनर्जी लेवल 2 है, ठीक है, t एनर्जी लेवल 3 है, हैं. तो और ये एनर्जी लेवल मानते हैं 4 है, ठीक. और तो इसमें कितने इंसर्ट ट्रांजिशन पॉसिबल है और कितने एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन पॉसिबल है. तो देखिए एटम ग्राउंड स्टेट में रहता है, अब ग्राउंड स्टेट से जो है एनर्जी एब्जॉर्ब करके क्या करेगा, मतलब फर्स्ट में जाएगा. अब हमने n = 1 n = 1 टू 2 में जाएगा, या फिर जो है 1 से जो है 3 में जा सकता है, या फिर 1 से 4 में जा सकता है ना. इस टाइप से 1 2 3 तीन एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन पॉसिबल है. लेकिन इंसर्ट ट्रांजिशन कितना होगा बताइए. अब जैसे एटम 4 एनर्जी लेवल चला गया, तो यहां पर इसकी लाइफ 10⁻⁸ सेकंड है, और 10⁻⁸ सेकंड के बाद क्या होगा, ये जो है इतने ज्यादा यहां एटम हो जाएंगे कि आपस में कोलाइड करते रहेंगे और उनकी एनर्जी जब इतना लास हो जाएगी कि एनर्जी E4 से E3 के बराबर हो जाएगा, तो E4 से E3 में आ जाएगा, या कोलाइड करते करते E2 बराबर हो गया E2 में जंप कर जाएगा, या कोलाइड करते करते E1 के बराबर हो गया E1 में जंप कर जाएगा,
ठीक है। तो इस टाइप से जो है एटम फोर से थ्री में आएगा या फिर फोर से टू में आएगा या फिर फोर से वन में आ जाएगा ना। अब ये डिपेंड करेगा कि दोनों कोलियन की कितनी एनर्जी लास्ट हुई है, है? अगर लास्ट इलेक्ट्रोलाइट करते करते इसकी एनर्जी ई1 के बराबर हो जाता है, ई1 में जंप कर जाएगा, ई2 के बराबर हो जाता है, ई2 में आ जाएगा और ई3 बराबर हो जाता है, ई3 में आ जाएगा, है ना? ठीक है। अब जैसे अब तो बहुत सारे एटम ई3 में रहेंगे यानी सोलिड के बराबर रहेंगे, यहाँ भी कोलाइट करते रहेंगे और 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 सेकंड में इतना कोलाइड हो जाएगा कि इनकी एनर्जी ई2 बराबर हो जाएगी या फिर ई1 बराबर हो जाएगी। तो एटम क्या होगा बताओ, E3 से E2 में आ जाएगा। अगर E2 बराबर हो जाता है एनर्जी इतना लास्ट हो जाता है कि E2 बराबर हो गया तो इसमें आ जाएगा, अगर E1 के बराबर हो जाता है तो E1 में आ जाएगा, ठीक है। अब इस तरह से E2 में स्टेट 2 में बहुत सारे एटम होंगे, है, और उसमें आपस में कोलाइड होता रहेगा, उनकी एनर्जी लास्ट होती रहती है, जब लास्ट होते होते जो है इनकी एनर्जी E1 के बराबर हो जाएगी, एटम क्या होंगे E1 में जंप कर जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप से इंस्टेंट ट्रांजिशन कितना है बताइए, इंस्टेंट ट्रांजिशन है आपका 1, 2, 3, 4, 5 और 6, है। तो जैसे एनर्जी लेवल हमारे 3 स्टेडी स्टेट है हमारे पास, है, ठीक है। तो इसमें एडजेसेंट ट्रांजिशन तो 3 पास भी है, लेकिन इंस्टेंट ट्रांजिशन कितना हो रहा है बताओ, इंस्टेंट ट्रांजिशन आपका जो है 6 पास हो रहा है, कितने पास हो रहा है, इंस्टेंट ट्रांजिशन फॉर ए गिवन एनर्जी लेवल, फॉर अ गिवन एनर्जी लेवल, फॉर गिवन एनर्जी लेवल। चलिए बना लीजिए। तो जैसे इसमें क्या है, एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन इज 3, नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन कितना है, एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन इसमें कितना है तो 3 है, और नंबर ऑफ इंस्टेंट ट्रांजिशन कितना है, इंस्टेंट ट्रांजिशन जो है नंबर ऑफ इंस्टेंट ट्रांजिशन कितना है 6, कितना ना, ठीक है। तो देखिए जो एडजेसेंट ट्रांजिशन होता है वो जनरली ग्राउंड स्टेट से होता है, ठीक है, और क्योंकि जो है एटम जनरली ग्राउंड स्टेट में रहते हैं और तो इसलिए जो ग्राउंड स्टेट से स्टार्ट होगा, तो अभी हम दिखाएंगे कि ग्राउंड स्टेट से जो एडजेसेंट ट्रांजिशन होता है उसको लाइमन एडजेसेंट कहेंगे, क्या कहेंगे, लाइमन एडजेसेंट कहा जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे सन है, साइरस है, ठीक है, या ऐसे स्टार्स जिनके टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, सन से ज्यादा है, तो वहाँ एटम जो है ग्राउंड स्टेट में तो रहते हैं, साथ में सेकेंड एनर्जी लेवल में भी रहते हैं, ठीक है, थर्ड में भी रहते हैं, इसलिए ऐसे स्टार पर जो है आपका जो सेकेंड एनर्जी लेवल से भी एडजेसेंट चालू हो जाएगा, थर्ड से भी होता है, थर्ड एनर्जी लेवल से भी एडजेसेंट चालू होता है, तो वो एडजेसेंट जो है क्या कहलाएगा, बावर एडजेसेंट कहलाएगा और ब्रेकेट एडजेसेंट कहलाएगा, ठीक है, डायमंड बावर पासन ब्रेकेट एंड फॉर्म, ठीक है। तो वैसे नॉर्मल जो है जैसे अर्थ पर बंद होगा वो केवल लाइमन ही
सन साइरस इन सब पर एक बामर भी एब्जॉर्प्शन पास होता है, ठीक है, क्योंकि एटम ऑलरेडी वो इतना ज़्यादा टेम्परेचर है कि एटम ऑलरेडी सेकंड स्टेट या थर्ड स्टेट स्टेट में रहते हैं, ठीक है।